be wonderful. You wanna kamal? Oh, kamal nahin, dhamal. Aur ab dekhna, Gil mansion mein hoga phabal, syap itiklish. Bada kamand hai na meher ko, apni akal pe. उसको समझ नहीं आना है कि ये हो क्या रहा है। सोचती रह जानी है कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है, करण या वो हथनी अमृत कौर किल। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि आप दोनों ने वहां पर किसी को देखा ही नहीं? मेरी आईज तो क्लोज थी और मैं डांस कर रही थी, बट वैसे करण और मैंने तो एक साथ जंप करना था, बट थैंक गॉड करण ने जम नहीं की, वरना उसे भी करंट लग जाता। लेकिन मम्मी जी, आपने ये वीडियो मंगाया क्यों है? हाँ जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये खोते हो, जहाँ सबकी सोच खत्म होती है ना, वहाँ कुलवंत कौर की सोच शुरू होती है। मैंने ये वीडियो इसलिए मंगवाया है ताकि वहाँ और आग लगे, और कलेश हो, और स्यापे। सही वक्त पर मैंने ये वीडियो मेहर को भेजना है ताकि वहां मैं और तमाशे करा, और स्यापे पावा। मगर मम्मी जी, वो ये वीडियो देखकर तो सबको पता लग जाना है कि तार ताईनी ने फेंकी, बल्कि गीता के कहने पे किसी और ने फेंकी है। और की? और की? जब भी मुंह खोलते हो ना, गोबर ही करते हो। ओ, मैंने ये वीडियो को कर देना है, क्या कहते हैं, एडिट। ओ, इस जनानी की शक्ल कर देनी है मैंने गायब। फिर सब कुछ यकीन हो जाना है कि कांड ताई ने किया था। किसने? अमृत कौर गिल ने। अपने आप को ममता की मूरत समझती है ना ये मेहर कौर गिल, और मैं भी देखती हूं कि ये ममता की मूरत की ममता कितने दिन तक चलती है। कुछ समझ नहीं आ रहा मेहर जी, क्या आखिर सच क्या है? दारजी कह रहे हैं कि ताई जी पूरा दिन उनके कमरे में थी, अगर ऐसा है तो फिर करण ऐसा क्यों कह रहा है कि ये सब ताई जी ने किया? सरब जी, क्या आपको लगता है करण झूठ बोल? बिल्कुल नहीं महर जी, लेकिन अगर ताई जी ने सब कुछ नहीं किया तो फिर करण झूठ क्यों बोलेगा? एक बच्चे का दिमाग ऐसा नहीं सोच सकता कि वो पानी में बिजली की तार डाल के अपने भाई को धक्का दे दे। मैं मान ही नहीं सकता हूं, इट्स नॉट पॉसिबल। सरब जी, क्या मैं एक बात बोल सकती हूँ? करण, कहाँ जा रहा है? सोने, अपनी मेहर मम्मा के पास। तुम कह दो अपने पापा से कि वो सो जाए तुम्हारे साथ। ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब तो हम आपके फ्रेंड बन गए ना? नहीं, इस घर में सिर्फ मेरा एक ही फ्रेंड है और वो है मेहर मम्मा। सिर्फ कोई मुझ पर ट्रस्ट करती है और कोई नहीं। अब कहना चाहती हैं सब करण ने किया? कमॉन महर जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? पता नहीं सरब जी, आपको याद नहीं है उस काउंसलर ने क्या कहा था? ऐसी सिचुएशंस में बच्चों के दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आई डोंट नो, वो वायलेंट हो जाते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं या दूसरों को भी। मुझे नहीं पता, या शायद करण ने ये सब कुछ इसलिए किया हो ताकि वो हमारी अटेंशन गेन कर सके। जी आप कह रही? सरबजी जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ लगता है कि करण ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ मुझे पता ही नहीं उसके दिमाग में चल क्या रहा है। शायद उसने गुस्से में आकर ये सब कर दिया हो। सिर्फ मेरा एक ही फ्रेंड है और वो है मेहर मम्मा। सिर्फ वो मुझ पे ट्रस्ट करती है। मेहर मम्मा, आप भी?
मेहर जी, भले करण को पैदा आपने किया लेकिन उसे पाला पोसा मैंने, उसकी परवरिश की है, इन्हीं हाथों से संभाला मैंने उसे। मेहर जी, मेरा बेटा कहानियां जरूर बनाता है लेकिन ऐसी हरकत करना, वो भी अपने परमवीर जी के साथ, इट्स इम्पॉसिबल। जरूर कोई तो बात है, कुछ तो है जो हमारे सामने होते अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा। कोई तो है सबके पीछे, कोई तो है। नानी, आपको पता है वो वायर बड़ी दादी ने डाला था। सब कह रहे कि पूल में वायर मैंने डाला। सब मुझे झूठा समझ रहे हैं और मैं मम्मा भी। ओ ना पुत्र ना, ओ बेशक तेरे को लोग झूठा समझे लेकिन तेरी नानी को तेरे पे पूरा यकीन है। मैंनु पता है वो कांड उस हतन और तेरी बड़ी दादी ने किया था। फिर मम्मा मुझे झूठा क्यों? ओ तेरा सरबजीत ने तेरी मेहर मम्मा की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। ओ मैंने तेरे को कहा था ना, वो सारों ने टीम बना ली है, सब एक तरफ, ते तू मेरा करण पुत्र कल्ला एक तरफ। ओ तू बिल्कुल फिकर ना कर, ओ तेरी नानी है तेरे साथ, कुलवंत कौर टिलों। एक गल और, अगर तेरी मेहर मम्मा तेरे पे यकीन नहीं करती ना तो तू भी उसकी कोई गाल पे यकीन नहीं करना। आई गल समझी? करण पुत्र, ओ मैं सुनिया है कि कल तू दिमाग के डॉक्टर के पास गया था। नहीं नानी, वो काउंसलर आंटी थी। मैं मम्मा ने बोला कि काउंसलर आंटी मुझे ठीक होने में हेल्प करेंगी। हाय मेरा भोला कबूतर, वो कोई काउंसलर शाउंसलर आंटी नहीं थी, वो दिमाग की डॉक्टर थी। ओ सरबजीत और मेहर मम्मा समझते हैं कि तू हो गया है। हम तू विक कल आनी है बीमारों की गड्डी और उन्होंने तेनो चुपके ले जाना है दवा खाने। ओ फिर डॉक्टर ने देना है तेनो। ओए मेरे पोते को दिमागी बीमारी के डॉक्टर के पास लेकर आ गया तू? करण बीमार लगता है तुझे? नहीं नहीं, मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है दादी, प्लीज मुझे बचा लो। हाँ, वो तो बिल्कुल भी करना कर। तेरी नानी कुलवंत कौर टिलो तेरे को बचाएगी। बस उन एक कोई रास्ता है। क्या? ना जी ना, ये कोई तरीका होता है? तरजीब? नहीं नहीं, एक छोटे से बच्चे ने सबके सामने मुझ पर उंगली उठाई, सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया, नीचा दिखाया। कोई मेरी कोई मान मर्यादा है भी कि नहीं इस घर में? और वो सरब ने तो हद ही कर दी आज है। बचपन से पाला है मैंने उसे, लेकिन उसने क्या किया मेरे साथ? सबके सामने उसने मेरे से ऊंची आवाज में बात की है। नहीं 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 हरलीन, बिल्कुल नहीं, मैं एक गल नहीं सुनने वाली हूँ मैं तेरी। कोई ये तक ना सोचा कि ताई जी पे क्या गुजरेगी है? नहीं, मैं क्या इसी दिन के लिए इस घर में रहने आई थी? मुझे रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। नहीं ताई जी, तुझे कितने भी नहीं जा रहे हो, प्लीज। हरलीन तू छोड़ मुझे, हट पीछे। ओए मार पर जाई जी, प्लीज प्लीज, गुस्सा छड्डो भी हुन। ताई जी प्लीज प्लीज, गलते मनो, आपको पता है ना सरब आपकी कितनी इज्जत करता है। हाँ देख लिया कितनी इज्जत करता है, हैं? और तू भूल गई क्या कहा उसने कि कोई ना कोई तो जरूर झूठ बोल रहा है, मतलब कि मैं? नहीं ताई जी, सरब का मतलब वो नहीं था, सरब सिर्फ ये कह रहा था कि अच्छा जो भी है आप कहीं नहीं जा रहे हो, बात खत्म। अरलीन छड़ मेरा बैग, हट जा पीछे। बट ओए मार पर जाई जी, मेरे को ना एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये चक्कर की है, मतलब वो पानी में तार किसने डाली होगी? ओहो डॉली, ये सारा उस मेहर का चक्कर है। ये आजकल की नुहों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, बड़ों की शक्लें ना इन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। हाँ नहीं ताई जी, ओए मार पर जाई जी, ऐसे मत करो आप।
अमृते, हम गुरबख्श की बरसी से पहले कहीं नहीं जा रहे। अपनी अटैची वापस रख। चंगा है जी, आपके खाने में एक बाल मिला था, उस पर आप घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गए थे। आज सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई है और आप मुझसे ये कह रहे हो कि अटैची अंदर रखते। मेरी गल नु समझण दी कोशिश कर अमृत कौर। हम जब इस घर में आए थे ना, तब सरब और उसका परिवार एक बंद मुट्ठी की तरह थे, इकट्ठे। अटूट प्यार था इन सब में, मगर आज वक्त और हालात ने इन्हें बिखेर कर रख दिया। और इस सब में कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हमारी ही वजह से आई है इनके रिश्तों में दरार। और अगर आज मैं इस परिवार को अकेला छोड़कर चला गया तो गुरबख्श की आत्मा ने मुझे कभी माफ नहीं करना है, कभी माफ नहीं करना है। और आज सरब ने जो कुछ भी बोला तुझे, वो गुस्से में कहा है अमृते, उसका वो मतलब नहीं था। वो तेरे साथ बदसलूकी या तेरी बेइज्जती नहीं कर रहा था। वहां पियो से भी बढ़कर मानता है वो हमें। अमृत कौरे, बस गुरबख्श की बरसी तक तो मेरी गल मन ले, उसके बाद मैं नहीं रोकूंगा तुझे। मैं की कर रहे हो जी, तुसी जो कहोगे मैं करूंगी, जो कहोगे मैं करूंगी। आज रात को आप दोनों पापा के साथ सोओगे और मेहर मामा करण के साथ, ओके? ओके। मामा, आपकी किस इतनी गरम क्यों है? गरम? दिखाइए। नहीं जी, आपको तो फीवर है। सरब जी, थकावट की वजह से होगा। जो भी है, नहीं जी, आज आप अकेले नहीं सोएंगी, ठीक है? अगर फीवर और बढ़ गया तो? सरब जी, नहीं। आज करण का मूड बहुत अपसेट है, मुझे किसी भी कीमत पर उसके साथ ही सोना होगा। और वैसे भी दोनों रूम्स पास पास में हैं, मैं आपको आवाज दे दूंगी। ठीक है, तो दवाई खा के जाइए। सरबजीत जी, आपको पता है मुझे ये दवाई बिल्कुल नहीं पसंद, कितनी देर तक आंख खुलती है। मेहर जी, बुखार चढ़ने से तो सोते रहना बेटर है, ओके? चलिए जल्दी दी। सरब का बेटा नहीं है। और जब तेरा बाप तेरे पैसे देगा ही नहीं तो तेरा क्या चार डालेंगे? मार इसे गोली। वही आंखें जाके ना अपने बाप को दिखाना, तुझे मैंने इस घर में रहने नहीं देना है। तुझे इस घर से निकाल के सड़क पे ना फेंक दिया ना तो कहना फिर। मुझे पता ही नहीं उसके दिमाग में चल क्या रहा है, शायद उसने गुस्से में आकर ये सब कर दिया। कल आनी है बीमारों की गड्डी और उन्होंने तेनु चुपके ले जाना है दवा खाना। ओ फिर डॉक्टर ने देना है तेनु। तुझे इस घर से निकाल के सड़क पे ना फेंक दिया ना तो कहना फिर। गुस्से में आकर कल आनी है बीमारों की गड्डी और उन्होंने तेनु चुपके ले जाना है दवा खाना। सड़क पे ना फेंक दिया ना तो कहना फिर। करण पुत्र, अब मम्मा को ही ढूंढ रहे थे ना, चलो इट्स नीट है। आज तो सिर्फ मम्मा अपने करण के साथ सोएंगी, मम्मा और मम्मा का प्यारा प्यारा बांधरू। फिर कल सवेरे मम्मा आपको गुरुद्वारे लेके जाएंगे बाबा जी को मत्था टिकाने, ओके? फिर उसके बाद हम डॉक्टर आंटी के पास जाएंगे। डॉक्टर आंटी नहीं, काउंसलर आंटी। वो बिल्कुल आपकी जैसी हैं, बहुत अच्छी हैं।
उनको भी स्टोरी सुनने का पढ़ने का बहुत शौक है। कल वो आपको खूब सारी स्टोरी सुनाएंगी, अपनी स्टोरी बुक्स के बारे में बताएंगी। चलो मिल्क फिनिश करो। बस उन्हें एक कोई रास्ता है। आज रात 5 बजे तू अपनी आंख खोलना। घर में सारे मिलकर तेरे को मारने वाले हैं, जान लेने वाले हैं तेरा। इसीलिए आज तूने बच के वहां से भागना है, आज रात को ही। तेरा सामान उस हथने अमृत कौर ने आज सवेरे ही पैक कर दिया था। तू वो बैग अपने कंधे पे टांगना और हो जाना भागने के लिए तैयार। आंटी तुझे देंगी एक मोबाइल ताकि तेरा जब जी चाहे तू अपनी नानी से बात करना। बस इतना समझना, तेरे पास मोबाइल नहीं, तेरी नानी है, तू उसे संभाल के रखना पुत्र। मुझे मेरी फेरी गॉड मदर मिल गई। सच्ची में आप मेरी फेरी गॉड मदर हो ना?